पदार्थ का पेपर. आई एम वेरी एंग्जियस. मेरे को बहुत ज्यादा डर नहीं लग रहा, मतलब फिल्म छूटती. सो फार यू हैव विटनेस माय संस्कृत एग्जाम एक्सपीरियंस. मैं मनुष्य नाम इतनी उत्तवा किसकी बात क्या है. अध्याय उपाध्याय उपाध्याय उत्कला आपके फादर आए हैं. यस, इट्स पदार्थ विज्ञान पेपर वन, जिसके लिए हमारे पास सिर्फ थे 20 घंटे. विल आई बी एबल टू कॉन्कर दिस डीमन? स्टे ट्यून. सो द हसल बिगिन. स्टार्टिंग में पदार्थ विज्ञान है क्या, ये सब्जेक्ट तुमसे चाहता क्या है, यही नहीं क्लियर होता. बट पढ़ते पढ़ते आई रियलाइज दिस सब्जेक्ट कीप्स यू ग्राउंडेड इन दिस फास्ट मूविंग रेस ऑफ गेनिंग वर्ल्डली नॉलेज. और इस सब्जेक्ट की ब्यूटी यही है कि जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कुछ नया निकल जाता है. छोटी सी बुक है, नन्नी सी, बट ऑलवेज मेड मी रियलाइज द मोर एंड अ मोर आई रीड द मोर आई डिस्कवर माई इग्नोरेंस. पढ़ते पढ़ते ढल गया दिन, हो गई शाम. जाना तो बिल्कुल नहीं है, अभी बहुत पढ़ना है, बट हम पढ़ेंगे कॉफी ब्रेक के बाद. ये एग्जाम डेज में 15 मिनट का ब्रेक 14 मिनट में कैसे खत्म हो जाता है, बाकी दिनों में ये सब क्यों नहीं हो सकता. ये पढ़ते पढ़ते आई रियलाइज अस ह्यूमन हैव सो मच पोटेंशियल. लिटरली जो तुम सोच लो वो तुम कर सकते हो. बस ये जो मन है ना हमारा, इसकी गति इतनी तेज है कि एक विषय पर ये कभी टिकता ही नहीं. अब मन पर विजय प्राप्त कर लेना मतलब इंद्रियों पर तो विजय है ही. इतना पढ़ लिया हमने पदार्थ की वजह से, अब बस इसको अप्लाई करना है अपने जीवन में. So now, Johnny Johnny, yes, Papa? Pranapano Nimeshadya Jivanam Mansogati Indriyantar Sanchar Prenanam Dharanam Chayat Deshantar Gati Swapne Panchatva Grahanam Tata. हाँ तो 4 लाइन तो याद है मुझे. तो मुझे भी याद है. सुन ले प्राणो अपानो निमेश अध्याय जीवनम मनसो गति, फिर उसके बाद जीवन मनसर गति कर दी, फिर इंद्रियार्थन संचार. इंद्र संचार करने के बाद क्या करना था बता रही, बताना मत. हाँ, प्रेरणम धारणम चयत, फिर देशांतर गति स्वप्ने पंचत्व पूछ लेते हैं दादू सर से. नेक्स्ट मॉर्निंग 6:30 AM अगेन आई एम स्विफ्टली लुकिंग एट एवरी थिंग, हर श्लोक, हर मीनिंग, हर ब्लोचार्ट, सब कुछ. सो आई एम रेडी. अभी थोड़ी देर में, अभी कितने हैं, अभी 9 बज रहे हैं, आफ्टर 1 आर आई हैव टू गिव माई पदार्थ का पेपर. आई एम वेरी एंग्शियस. मेरे को बहुत ज़्यादा डर नहीं लग रहा, मतलब डर और नर्वसनेस के बीच वाला कुछ लग रहा है. मैंने सब कुछ पढ़ तो लिया है बट श्लोक मेरे बहुत सारे मिस हो जा रहे हैं. पहली लाइन मेरे को सबकी याद आ रही है, सेकंड वाली लाइन में कुछ वर्ड यस से तत्र अति ये सब छूट जा रहा. तो
उसके लिए आई एम लिटिल बिट वरीड कि मैं कुछ और कुछ अजीब ही ब्लंडर टाइप का लिख के ना आ जाऊँ. तो बस इतना ही है अभी. हम मैंने सोचा है कि आई विल क्विकली रिवाइज ऑल द श्लोक जो मैंने अपनी कॉपी में सब जगह एक जगह इकट्ठे करके लिख रखे हैं. ये लास्ट टाइम रिविजन के लिए ही बनाया था मैंने. फाइनली टाइम आ गया इसको करके पढ़ने के लिए. लेट्स डू इट. अभी जब मैं क्लिप्स देख रही तो मुझे लग रहा ओह गॉड आई वाज सो एंग्शियस. मेरी एंजाइटी ही खत्म नहीं हो रही है. आई डोंट नो व्हाई दिस सब्जेक्ट हॉन्ट्स मी अ लॉट. बाकियों को तो आसान लगता है, मैं ही एक मूर्ख पंडित रह गई. तो पेपर था तो बहुत इजी बट बहुत ज्यादा लेंथी पेपर था. 3 घंटा बस लिखा है और उंगलियां ऐसे थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो गई. तो और ऑलमोस्ट मतलब क्वेश्चंस ऐसे थे कि ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही लिखना पड़ रहा था. और पता नहीं क्यों वाई सम वाई विशेष इन चैप्टर्स को दो दो पेज के चैप्टर्स हैं. ये लाइक हार्डली दो दो पेज के चैप्टर्स हैं और इनको इतना ज़्यादा वेटेज दे दिया है. ऑलमोस्ट हर दूसरा क्वेश्चन इस पर है. यूटिलिटी इन आयुर्वेद पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था. तो MCQ वॉज नाइस. MCQ वॉज प्रिटी ईजी. सो हाँ, तो आज का पेपर ठीक ही था. ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए. रात गई बात गई. नाउ आई हैव टू स्टडी फॉर पेपर 2 एंड आई एम अज्यूमिंग कि पेपर 2 में भी ऐसी ही चीज़ें होंगी. तो आई हैव टू प्रैक्टिस कुछ चीज़ें. मतलब आंसर फ्रेमिंग को मुझे दिमाग में प्रैक्टिस करना है अभी पेपर 2 के लिए. आई विल डू दैट क्योंकि वहाँ पे आंसर राइटिंग में बहुत हफड़ा थफड़ी मच जा रही है. क्या लिखना है, कैसे लिखना है. तो वो एक बार आई विल डू दैट इन पेपर 2 ताकि टाइम मैनेजमेंट मेरा मैनेज हो जाए और पेपर 1 वाली गलती में दोबारा ना. अब हमें मिली थी हाफ डे की छुट्टी तो हमने ब्रेक लिया और हम गए हनुमान जी की शरण में. आज है 21 अक्टूबर. हमें पढ़ना था आज पूरे दिन पदार्थ विज्ञान का पेपर 2. आज अष्टमी भी थी. भगवान का नाम लेकर हमने शुरू किया अपना अध्ययन. PV2 में सारी परीक्षाएं हैं. बेसिकली ऑल द टूल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिजीज, हाउ एन एफिशिएंट फिजिशियन शुड यूज देम इन आयुर्वेदा प्रैक्टिस एटसेट्रा. और ये हमारे भैया कोई मैच देखते हुए न्यूजीलैंड का था शायद. देन आई मेड माई लंच एंड अगेन सैट डाउन फॉर अनदर ग्राइंडिंग सेशन. बाई गॉड सच में पेपर 2 ना 100 पेज भी नहीं होगा बुक का, पर ये ना खत्म ही नहीं हो रहा. देख रहे हो, खत्म ही नहीं हो रहा है. ये पदार्थ विज्ञान इज लिटरली द जलेबियस्ट सब्जेक्ट यू विल एवर कम अक्रॉस. अरे कितना क्रिकेट चलेगा भाई, बनाओ कॉफी. कितना क्रिकेट चलेगा. खेलना बहुत पसंद है. गिर गया ना फोन सिंक में, फिर रोती फिरना. उनका भी बहुत अच्छा नया शॉर्ट्स.
जी अपना यूट्यूब की कमाई से कमा किस लिए रही हो फिर? तुमको फोन दिलाने के लिए थोड़ी कमा रहा है, नहीं दिला सकती। ओके ना, इनफ 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 इनफ। ये चॉकलेट मैंने दिया है, ये चॉकलेट होता है, ये चॉकलेट होता है। अभी हम लोग ऑलमोस्ट 70% सिलेबस पूरा कर चुके हैं। मैं इनका नहीं पता, इनका 200% चल रहा है अभी। तो अभी मैं अपना बचा 30% कंप्लीट करूँगी और ये अपना चौथी बार रिवीजन करेंगी मेरे को पढ़ाते। ब्रह्म सत जगत मिथ्या नहीं, ये सत्य है। सब पे विश्वास नहीं करना चाहिए गाइस। मेरे को धक धक हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, इसलिए ये रुक पढ़ रहा है। इसको स्ट्रगल दिखाना जरूरी है ना सबको। हम लोग जा रहे हैं पढ़ने अब। रात के 1 बजे बहुत तेज नींद आने लगी मुझे, तो मेरा हो गया डन फॉर द डे। अब मैं कल सुबह बहुत जल्दी उठूंगी, फिर मैं वही वाह करके सब कुछ याद करूंगी। रिवाइज तो मैं 5 बजे से कर रही हूँ, पर मैं इतनी एंग्शियस थी कि मैंने रिकॉर्ड करना भूल गई। मैं तो हेयर द रिकॉर्डिंग 6:35 से आई रिवाइज एवरीथिंग, वही सब कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी में घुसेड़ दिया सब कुछ। हेलो एवरीवन, इट्स कितना बज रहा है अभी? कितना बज रहा है अभी? बज रहा है 6:40 और पेपर देने के बाद मैं सो गई थी क्योंकि बहुत हेक्टिक पेपर दे के आए थे भाई। पदार्थ विज्ञान है, फाइनली एक अध्याय खत्म हो गया जीवन का। पेपर बहुत इजी था, मतलब आईक्यू वाइज, बट ऐसे लेंदी बहुत बड़ा था पेपर। मतलब जिसको जिसके पास बहुत सारे श्लोक होंगे, बहुत सारा मैटर होगा, वो बहुत कुछ लिख सकता था, ऐसा पेपर था। और डिफिकल्टी वाइज पेपर वॉज नॉट वेरी, और इससे सब लोग सहमत होंगे ना, आप होंगे ना, सब लोग सहमत होंगे। हाँ जी, MCQ was also good. बाकी अब हमारी क्या बोलते हैं, हाँ अब हमारा वर्टिब्रल कॉलम तोड़ने वाला वीक आने वाला है। बैक टू बैक हमारे क्रिया के दो बिग, अब हमारा बिग बिलियन एग्जाम डेज होने वाले हैं, जिसमें हमारे क्रिया 1, क्रिया 2, रचना 1, रचना 2 बैक टू बैक होगा। हमें जीने खाने सोने श्वास प्रक्रिया सब कुछ छोड़ना होगा, सब मल त्याग सब छोड़ देंगे। अब हमें बहुत सारे वेग धारण करने होंगे, उसके बाद हम पेपर देंगे। तो आज का प्लान ये है कि हम लोग पेपर 1 ऑफ रचना शरीर कुछ पार्ट उसका पढ़ लेंगे, ताकि अचानक से एक ही दिन में बम ना फटे, क्योंकि रचना शरीर पेपर 1 बहुत बड़ा ब्लैक होल जैसा सिलेबस है उसका। तो थोड़ा ट्राई किया जाएगा कि उसको पढ़ा जाए। बाकी क्रिया शरीर वी विल डू फ्रॉम टुमारो मोस्ट प्रोबेबली, अगर कुछ और दिमाग में कुछ और नहीं आया तो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज प्लानिंग, अभी का प्लानिंग यही है। बाकी आगे का जो भी नेसेसरी चेंज होगा वो बता दीजिए। 1 घंटे का प्लानिंग बदल जाए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वी विल स्टिक टू द प्लान, और प्लान के हिसाब से पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा अच्छा हो, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज। जितना एक चीज़ आज का पेपर देख के मुझे फील हुआ कि आप जितनी ऑर्गेनाइज पढ़ाई करेंगे, उतना ऑर्गेनाइज आप अपने पेपर में लिख के आएंगे। कुछ लोगों की आदत होती है वो बुक में हाईलाइट करके बुक में इधर उधर की चीज़ें पढ़ लेते हैं वो, बट आई फील कि जो चीज़ें मैंने अपनी कॉपी में लिखा था ऑर्गेनाइज, लाइक हेडिंग्स और कॉलम वॉलम टेबल चार्ट वगैरह बना के, वैसा एग्जैक्टली मैं अपने पेपर में लिख के आई हूँ। तो मेरी कॉपी काफ़ी प्रेजेंटेबल दिख रही है, श्लोक नहीं है मेरी कॉपी में उतने, तो वो डिपेंड करता है कि अब कौन चेक कर रहा है पेपर। अगर श्लोक वाला इंसान चेक कर रहा होगा पेपर, तो मेरे को मार्क्स शायद उतने नहीं मिलेंगे, बट ओवरऑल अगर प्रेजेंटेशन देखा जाएगा तो आई विल स्कोर गुड। पर यह आयुर्वेद का कॉलेज है तो श्लोक को तो वेटेज मिलेगा ही, ठीक है कोई बात नहीं। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे वर्क करना चाहिए, अपने वीक पॉइंट्स पे नहीं। ऑलवेज वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स। एग्जाम के लास्ट डे तो अपने स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए। अगर आपसे श्लोक याद नहीं होता है तो श्लोक के पीछे एक दिन मत पड़िए। जितने देर में आप एक श्लोक याद करेंगे, उतने देर में आप बहुत सारे टेबल्स और चार्ट्स बना लेंगे अपने दिमाग में। जो आपने थ्योरी बोली है उसके लिमिटेशंस लगा दीजिएगा।
हाँ तो प्रत्यक्ष बाधक कारण तो हर जगह होता है ना, मैं कहाँ बोल रही, स्यातवाद के फॉलोअर हैं हम, द ट्रूथ इज वेरी कॉम्प्लेक्स और उसके बहुत सारे कॉज होते हैं, तो हम एक 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 स्पेसिफिक बात हम करते ही नहीं। मेरी बहुत खुशी, मैं पता नहीं क्यों मैं इतनी खुश हूँ, सब कुछ षडभंगुर है। अभी तो आज लगा है नोट पे षडभंगुर, बोलो अब बोलो, बोलती बंद कर दिए। भूते ब्योहि परम यस्मात् नास्ति चिंता चिकित्सकः। आया था लिख के आई।